नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। 20 जुलाई मंगलवार का दिन है। आप जानते हैं कि कोरोना की लहर देश में कमजोर पड़ने लगी है, संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन हमें अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें, 3 मंत्र जरूर याद रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उचित दूरी बनाए रखें, हाथ व मुंह साफ करते रहें। कोरोना से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं और जो लोग पहला टीका लगवा चुके हैं वो समय आने पर दूसरा टीका जरूर लगवाएं। चलिए अब आपको हिमाचल और देश विदेश में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हाईकोर्ट ने दिए आदेश, बतौर डॉक्टर 2 वर्ष की सेवाएं पूरी करने वालों को सुपर स्पेशलिटी में दाखिले के लिए अन्नापति प्रमाण पत्र जारी करें। सीएम जयराम ने निर्मंड को दी एसडीएम कार्यालय की सौगात, लोगों को करना पड़ता था 110 किलोमीटर का सफर। हिमाचल में बरसात के मौसम में वाहन चलाना सबसे खतरनाक, डीजीपी संजय कुंडू ने पर्यटकों और प्रदेशवासियों से की अपील। कांगड़ा में एक सप्ताह में 60 करोड़ का नुकसान, चंबा में रात 8 बजे के बाद आपातकालीन वाहन ही चलेंगे। हिमाचल में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, प्रदेश के 5 जिलों में बाढ़ का खतरा। रिटायर्ड कर्नल बनकर ठग लिए 25,000, साइबर सेल ने जाल बिछाकर धर दबोचा। ऊना में ओवरलोडिंग पर शिकंजा, खनन सामग्री ले जाने वाले मल्टी एक्सेल ट्रकों पर प्रतिबंध। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए हैं कि सुपर स्पेशलिटी में दाखिले के लिए उन प्रार्थियों को अन्नापति प्रमाण पत्र जारी करें जिन्होंने बतौर डॉक्टर 2 वर्ष की सेवाएं पूरी कर ली हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने प्रार्थी डॉक्टर मनोज शर्मा और अन्य द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए उक्त निर्णय सुनाया। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि प्रार्थियों को 20 जुलाई तक अन्नापति प्रमाण पत्र जारी करे ताकि वो अपने सुपर स्पेशलिटी कोर्स को पूरा कर सके। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वो प्रदेश और प्रदेश के बाहर सुपर स्पेशलिटी कोर्स करने के लिए वर्ष 2019 में बनाई गई पॉलिसी में आवश्यक 4-5 वर्ष की सेवा काल अवधि को संबोधित कर 2 साल करें। मामले में दिए गए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी MBBS की पढ़ाई करके प्रदेश सरकार में डॉक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके बाद प्रार्थी ने वर्ष 2017 के पॉलिसी के अनुसार PG कोर्स किया और लगातार सरकारी हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने निर्मंड को SDM कार्यालय खोलने की घोषणा की है। आनी विधानसभा क्षेत्र के निर्मंड में आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव के मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने निर्मंड में SDM कार्यालय खोलने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने निथर में PHC खोलने व श्राड़ में जल शक्ति विभाग का सब डिवीजन खोलने की भी घोषणा की। आनी के विधायक किशोरी लाल सागर की अध्यक्षता में BJP पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को ओक ओवर शिमला में CM से मिला, जिसमें उन्होंने CM से निर्मंड में SDM कार्यालय खोलने की मांग की थी। उन्होंने CM जयराम को बताया कि कुल्लू जिला के आनी उपमंडल के अंतर्गत आने वाले निर्मंड क्षेत्र 15-20 धारा सरघा से लेकर दुर्गम डीम डमेहड़ी दुराह तक फैला हुआ है। ऐसे में यहां के लोगों को SDM कार्यालय से संबंधित कार्य के लिए 110 किलोमीटर दूर आनी जाना पड़ता है। हिमाचल में अगले कुछ दिन तक आंधी तूफान व लगातार बरसात की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रदेश भर में विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में लहासे गिरने, सड़क टूटने, बह जाने और नदी नालों में भारी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिस कारण सफर करना जोखिम भरा व घातक हो सकता है। हिमाचल पुलिस के DGP संजय कुंडू ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से अपील की है कि ऐसे मौसम में केवल उन स्थितियों में ही घर से बाहर निकलें जब ऐसा करना अत्यंत जरूरी हो। यदि सफर करना बहुत जरूरी हो तो अपने वाहन की विंडशील्ड यानी सामने देखने वाले शीशे की अच्छी तरह से सफाई करें और वाहन को अत्यंत सावधानी से चलाएं। अन्य समाचार सुनिए ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं।
24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में भारी बारिश से कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने कहा कि कांगड़ा में आज रेड और बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह जिले में 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। उधर चंबा जिला में आपातकालीन वाहनों को छोड़कर मंगलवार रात 8 बजे से सुबह 5 बजे अन्य वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग के 24 घंटों में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। डीसी ने प्रशासनिक सहित विभिन्न विभागीय कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। डीसी चंबा डीसी राणा ने कहा कि टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है ताकि आपदा की स्थिति में लोगों को राहत मिल सके। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 26 जुलाई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है, जबकि 21 और 22 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए नेशनल फ्लैश फ्लड गाइडेंस जारी किया है। इसके तहत 21 जुलाई बुधवार सुबह 11:30 बजे तक अचानक बाढ़ का खतरा जताया गया है। विभाग के अनुसार चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला जिला में बाढ़ का खतरा है। ठगी के मामले इन दिनों काफी बढ़ गए हैं और ये लोग दूसरों को ठगने के लिए नए से नए पैंतरे आजमाने लगे हैं। पुलिस थाना मनाली में एक ऐसा ही ठगी का मामला दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता ने बताया कि मनाली से किसी व्यक्ति ने उसे फोन किया और बताया कि वो बीआरओ से रिटायर्ड कर्नल है, बीआरओ के बहुत सारे काम देखता है और आजकल बीआरओ में जवानों के लिए और स्टोर के लिए काफी सामान की खरीदारी होनी है जिसकी डिमांड बहुत बड़ी रहेगी। बातचीत करने और डील करवाने के लिए उस व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को दिल्ली से मनाली बुलाया और एक होटल में डील तय हुई। खुद को सेवानिवृत्त कर्नल बताने वाले व्यक्ति ने 25,000 रुपए नकद ले लिए और कहा कि आपको कोटेशन भेजता हूँ। इसके बाद वो वहां से रफू चक्कर हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके साइबर सेल की मदद ली और साइबर टीम ने आरोपी को मनाली पुलिस के साथ मिलकर धर दबोचा। ऊना जिला में विस्तारित बॉडी वाले टिप्परों के प्रवेश को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। डीसी राघव शर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला में इसके अतिरिक्त माइनिंग सामग्री को ले जाने के लिए मल्टी एक्सल ट्रकों के प्रयोग व आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे किसी भी प्रकार के वाहन का खनन गतिविधियों में प्रयोग करने पर पुलिस एसडीएम कार्यकारी दंडाधिकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा खनन अधिकारी द्वारा वाहन को जब्त करने के साथ साथ मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।